हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से द हार्ट सर्कुलेशन चैप्टर में द ह्यूमन हार्ट की स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ लोअर वर्टिब्रेट के हार्ट के बारे में <coughs> डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम लोग द हार्ट ऑफ फिशेज के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट <coughs> इस्टार्टिंग द हार्ट ऑफ फीसेज या लोअर ओर टिवरेट हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द अबाउट सर्टिन टर्म सबसे पहले हार्ट मेडअप ऑफ कंपार्टमेंट और चैम्बर हार्ट किससे बना होता है कंपार्टमेंट और चैम्बर्स से बना होता है <coughs> उन चैम्बर्स को हम लोग ट्रू चैम्बर्स और एसेसरी चैम्बर्स बोल सकते हैं तो सबसे पहले बात कर सकते हैं हम लोग ट्रू चैम्बर्स ट्रू चैम्बर्स दो टाइप्स के होते हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स <coughs> सबसे पहले आर्ट्रिया या औरल्स एक ट्रू चैम्बर्स होता है द रिसीविंग चैम्बर ये ब्लड को रिसीव करता है यानी आ, हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो चैम्बर कहलाता है आर्ट्रिया या ऑरिसल ये एक ट्रू चैम्बर है सेकेंड ट्रू चैम्बर है वेंट्रिकल द पम्पिंग चैम्बर <coughs> इसको हम लोग पंपिंग चैम्बर बोलते हैं ये ब्लड रिसीव नहीं करता ब्लड को पंप्ड आउट करता है यानी पंप करता है ठीक है <coughs> तो वेंट्रिकल एंड ऑरिसल्स आर द टू चैम्बर्स विच आर नॉन एज टू चैम्बर्स ठीक है वेंट्रिकल एंड ऑरिसल्स टू चैम्बर्स आर नोन एज ट्रू चैम्बर्स ये दो चैंबर्स हैं इनको हम लोग ट्रू चैम्बर्स बोल सकते हैं प्राइमरी चैम्बर्स बोल सकते हैं सेकेंड है अदर चैम्बर्स विच आर ऑल्सो नॉन एज एसेसरी चैम्बर यानी आर्टिकल आर्ट्री और, इसल और वेंट्रिकल के अलावा भी हार्ट में और चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं एसेसरी चैम्बर्स बोल सकते हैं इसमें फर्स्ट है फर्स्ट असेसरी चैम्बर सीनस व सेकेंड है एसेसरी चैम्बर कॉनस आर्ट्रियोस थर्ड <coughs> एसेसरी चैम्बर है ट्रंकस आर्ट्रीसस एंड फोर्थ एसेसरी चम्बर है बल्बस आर्ट्रियोस ठीक है ये चार चैम्बर्स होते हैं जिनको एसेसरी चैम्बर्स बोल सकते हैं तो हार्ट में दो टाइप्स के चैम्बर होते हैं एक प्राइमरी चैम्बर या ट्रू चैम्बर सेकेंड है हम लोग बोल सकते हैं जिनको एसेसरी चैम्बर असेसरी चैम्बर चार होते हैं और ट्रू चेम्बर्स दो होते हैं तो ट्रू चेम्बर्स में अपने आल्ट्रिया और वेंटिकल्स और एसेसरी चम्बर में सीनस वोनस आर्ट्रियोस और ट्रंकस आर्ट्रियोस और बल्बस आर्ट्रियोस दल नोन एज द एसेसरी चम्बर या कंपार्टमेंट्स बोल सकते हैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे आ, एक लोअर वर्टिब्रेट के हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में आ, ह्यूमन हार्ट की स्टडी करने से पहले हम लोग लोअर वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फिशेज हैं रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं तो सबसे पहले लोअर वर्टिब्रेट हार्ट ऑफ फिशेज हार्ट ऑफ फिशेज है हार्ट के जो फिश का हार्ट है उसके अंदर एसेसरी और ट्रू चैम्बर्स दोनों ही पाए जाते हैं हार्ट ऑफ द हैव टू ट्रू चैम्बर एंड टू एसेसरी चैम्बर दो एसेसरी और दो ट्रू चैम्बर्स होते हैं ट्रू चैंबर हो गए अपने आर्ट्रिया और वेंट्रिकल और एसेसरी चैम्बर्स जो चार होते हैं उनमें से दो प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से सीनस विनोसस और कौनस विनोसस फिर है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फीसेस फीसेस की हार्ट की स्ट्रक्चर सबसे पहले दिस वन इज सीनस विनोसस ये क्या है अपना एसेसरी चैम्बर है ठीक है ब्लड एंट्री फ्रॉम हेयर इस सीनस विनोसस के अंदर सबसे पहले ब्लड आता है यानी एक रिसीविंग चैम्बर हो गया और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर इस डी ब्लड जो सीनस विनोसस में है वहाँ से ये ब्लड इस चैम्बर में दिस वन इसमें आल्ट्रिया में जाता है और आल्ट्रिया से फिर दिस वन ये वाला पार्ट ये वेंट्रिकल में जाता है फिर वेंट्रिकल्स में से ये दोनों क्या हो गए ये अपना एसेसरी चैम्बर ये ट्रू चैम्बर ये ट्रू चैम्बर फिर इस वेंट्रिकल से दिस वन डार्क स्ट्रक्चर इज कॉनस आल्ट्रिय इस एसेसरी चैम्बर में जाता है और फिर एसेसरी चैम्बर से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अरोटा बोलते हैं यहाँ पर ब्लड आता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट द ब्लड कम्स इन द हार्ट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिसेज का जो हार्ट होता है उसमें ब्लड कैसा आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता यहाँ से देखें किट मीन्स ये सीनस वीनासस जो है जो एस एसरी चैम्बर है उसमें सबसे पहले ब्लड आता है वो कैसा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है द ब्लड कम्स इन द हार्ट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड जो हार्ट के अंदर आता है ठीक है वो कैसा होता है <coughs> डी ब्लड होता है द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सीनस विनासेज अब ये कहाँ से कहाँ से जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है सीनस वनोसेज में आता है और सीनस विनासेस से कहाँ पर जाएगा ट्रू चैम्बर आर्ट्रिया में जाएगा एंड फ्रॉम आर्ट्रिया अनादर ट्रू चैम्बर जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं वहाँ पे एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू अनादर एस एस चैम्बर दूसरे एस एस चैम्बर में जाता है जिसको बोलते हैं कॉनस आलट्रियोस एंड फ्रॉम कॉनस आर्ट्रियोस टू अरोटा और कॉन्स आर्ट्रीओसिस ये एसेसरी चैम्बर है इससे कहाँ जाएगा अरोटा के अंदर जाता है हार्ट ऑफ फिश फिस के हार्ट के अबाउट कुछ नोट है ठीक है जो ध्यान रखने लायक चीज है या इम्पोर्टेंट थिंग है द ब्लड कम्स इन द हार्ट ऑफ फिश इज ओनली डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव ओनली डिऑक्सी यानी जो फिशेस का हार्ट होता है ठीक है उसमें ब्लड कैसा आता है खाली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके अंदर सीनस वीनोस के अंदर एसेसरी चैम्बर के अंदर खाली जो रिसीविंग uh, कंपार्टमेंट है उसमें कैसा आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड नहीं आता सच टाइप ऑफ हार्ट इज़ नॉन एज ब्रेंकील हार्ट और वीनस हार्ट ऐसा हार्ट जैसे कि फीसेस के अंदर जिसके अंदर खाली क्या आ रहा है खाली हार्ट चैम्बर के अंदर खाली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उस टाइप के हार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं ब्रेंकियल हार्ट बोल सकते हैं या वीनस हार्ट बोल सकते हैं द हार्ट विच रिसीवस ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ नोन एज ब्रेंकियल हार्ट और वीनस हार्ट इसको हम लोग ब्रेंकियल हार्ट बोल सकते हैं वीनस हार्ट बोल सकते हैं फिर है सिंगल सर्कुलेशन हार्ट और फिशेस um, के अंदर जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्कुलेशन हार्ट होता है ठीक है इसमें एक ही बार ब्लड uh, हार्ट के अंदर आता है तो इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन हार्ट बोल सकते हैं एंड द पाथ इन विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी ऑफ द फिशेस नॉन एज सिंगल सर्कुलेशन पाथ इट मींस और वो पाथ जिसमें ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर बॉडी ऑफ फीसेस फीसेज की बॉडी के अंदर इज़ नॉन एज सिंगल सर्कुलेशन पाथ उसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन पाथ बोल सकते हैं तो सिंगल सर्कुलेशन पाथ बोलेंगे सबसे पहले आता है सीनस वीनेसेज में ये एक रिसीविंग चैम्बर है एसेसरी चैम्बर है रिसीव द ब्लड इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसी वजह से ब्रेंकील या हार्ट बोला है फिर यहाँ से सीनस विनस जो एसेसरी चैम्बर है इससे ट्रू चैम्बर अरो आर्ट्रिया के अंदर जाता है और फिर इस आर्ट्रिया से एक और ट्रू चैंबर वेंट्रिकल के अंदर जाता है फिर वेंट्रिकल से कॉन्स आर्ट्रियोस ये एसेसरी चैम्बर इसके अंदर आता है ठीक है एसेसरी चैम्बर से फिर अरोटा के अंदर आएगा अरोटा से गिल्स में ट्रांसफ़र होता है ब्लड और गिल्स में क्या होता है हेयर गेस गेसियस गेसेज एक्सचेंज टेक प्लेस गेसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करते हैं ठीक है गैसेस का एक्सचेंज होता है वो टेक प्लेस होता है इस पार्ट के अंदर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है तो यहां से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां तक डी ऑक्सीजनेटेड था फिर गिल्स में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ऑर्गन के पास में ऑर्गन्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं एंड रिलीज करते हैं सीओ ठीक है CO2 टू रिलीज करते हैं और ये जो रिलीज CO2 टू होती है इन फॉर्म ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस फॉर्म में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में वीनस तक जाता है यानी यहां से क्या जाएगा अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है और दोबारा से फिर कहाँ से आ जाएगा वीनस के अंदर तो इस पूरे के पूरे पाथ में हार्ट में ब्लड खाली एक ही बार सर्कुलेट हो रहा है बार बार नहीं आ रहा है यह सीनस वीनस से आर्ट्री आर्ट्रीस आर्ट्री, वेंट्रिकल वेंट्रिकल से कॉनस आर्ट्रियस अरोटा देन गिल्स गिल्स में गिल्सियस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन यूज़ करते हैं सी टू रिलीज करते हैं और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से सीनस वीनसेज में जाता है दिस पाथ इज़ नोन एज सिंगल सर्कुलेशन पाथ एक बार दोबारा से हम लोग डायग्राम को और देख सकते हैं दिस पार्ट ये पार्ट जो ब्लैक पेन से राइट है ठीक है एस वी सीनस वीनसेस है ये एसेसरी चैम्बर है यहाँ पर ब्लड आता है इस पार्ट से ठीक है फिर इस पार्ट से ऊपर की तरफ इट मीनस फर्स्ट जो ट्रू चैम्बर है आर्ट्रिया के अंदर जाएगा दिस वन ठीक है आर्ट्रिया फिर दूसरे ट्रू चैम्बर वेंट्रिकल के अंदर जाता है दिस वन फिर ये जो ब्लू पेन से नोटेड है ठीक है राइट डाउन है इस पार्ट के अंदर जाता है कोनस आर्ट्रियोस <coughs> ठीक है कोनस आर्ट्रियोस कोनस आर्ट्रियोस के अंदर जो जाएगा ब्लड ये कोनस आर्ट्रियोस कैसे है कोनस आर्ट्रियोस अपना दोबारा से एस एस सी चैम्बर आ गया फिर इस एस एस सी चैम्बर से अरोटा के अंदर और अरोटा से दोबारा से और आगे ऑर्गन्स की तरफ जाता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फिशेज तो सिंगल सर्कुलेशन पाथवे को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वन द ब्लड बींग सप्लाइड टू एन ऑर्गन जब ब्लड सप्लाई किया जाता है किसी ऑर्गन को गोज थ्रू ओनली खाली ओनली वन वंस दैट इज सिंगल सर्कुलेशन ब्लड बिफोर बींग सप्लाइड सप्लाइड से पहले ब्लड खाली कहाँ पर जाता है किट मीन्स ऑर्गन टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई होने से पहले ब्लड खाली एक ही बार हार्ट के अंदर जाता है तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन पाथवे बोल सकते हैं यह आज का हमारा टॉपिक था अबाउट लोअर वटिबरेट फिसज का हार्ट थैंक यू